हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड सेल्फ केयर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि मैं अपनी एक नई सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैं फल, सब्जियों, घर के मसालों और सूखे मेवों से हम अपनी कैसे हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किशमिश, जो कि अंगूर को सुखाकर बनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जो लोग भी बहुत दुबले पतले होते हैं, उन लोगों को किशमिश का भरपूर सेवन करना चाहिए। और सेवन का तरीका, आप रात में एक कप पानी में किशमिश भिगोकर रख दीजिए, सुबह खाली पेट किशमिश खाइए और चबा चबा कर ऊपर से उस पानी को पी लीजिए, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को भी भोजन के पाचन से संबंधित समस्या होती हो, उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है। जिन लोगों को भी एनीमिया की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। ये आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, इसमें पोटेशियम होता है काफ़ी मात्रा में, जिससे ये हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसमें सोडियम लो होता है, ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है और उसको नॉर्मल रखता है। ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें सेलेनियम तथा जिंक होता है, जो स्किन की रफनेस को कम करता है। किशमिश को फ्रेंड्स सभी लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। ये हमारी बोन्स को मजबूत बनाता है, और जेंट्स के लिए किशमिश बहुत फायदेमंद होती है। हर दिन हम लोगों को 10 से 15 किशमिश भिगोकर जरूर खाना चाहिए, यदि हम डायबिटिक नहीं हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे किशमिश के फ़ायदे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।